शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाबू, अरे रुकिए तो सही महाराज, अरे सेठी साहब के बारे में कुछ बताना है आपको। अरे तुम क्या बताओगे पंडित, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, वो इंसान नहीं भगवान है, भगवान। अरे आप लोग यहीं मिल गए, आजा पंडित, आजा आजा, आज का दिन ही बड़ा शुभ है। आज दिन खराब चल रहा है, बता रहा है हम आपको। क्या बात है अंकल, आज बड़े मुस्कुरा रहे। अरे ऐसी जगह रिश्ता तय करके आया हूँ भांजे, सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्यों पंडित जी, बताइए। माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट मैन यार शेट्टी साहब, सच पूछो तो शराफत की गंगा तो उनके बंगले से ही बहती है। शराफत की गंगा नहीं बहती है, खून की नदी बहती है। गोलियों से सुबह की शुरुआत होती है, गोलियों के गूंज से सरजी, और रात में जब तक 10-12 को लुड़का ना देना, खत्म नहीं होती रात उनकी। क्या बकवास कर रहे हैं? कसम, शेट्टी साहब डॉन है। डॉन? हाँ। गॉडफादर? परमात्मा? मजनू और शेट्टी साहब दोनों ने मिलकर फंसाया आपको अपनी बहन के लिए, समझते नहीं। I'm sick and tired now. I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी किस्मत खराब है, क्या करूं मैं? ऐसे मत देखिए मामी जी, ये सारे लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं, खेलने कूदने आए, नाचने गाने आए, हमारी तरह ये सोचने नहीं आए कि गुंडे बदमाशों से कैसे छुटकारा पाया जाए। मार ले ताने, तू भी ताने मार ले भांजे, अगर वहां होते ना तो या तो हमारा काम तमाम हो गया होता, या तो बंदूक की नोक पर तेरी शादी हो चुकी होती। रिश्ता करने से पहले तो सोचा नहीं और अब सोच रहे हैं, इंसानों को पहचानने की बिल्कुल तमीज नहीं है। बिल्कुल सही बात बोल रही है ये, अगर मुझ में तमीज होती तो मैं इससे शादी करता। तमीज बंद करो, अपने घर की महाभारत बंद करो, मेरे गले में फांसी का फंदा पड़ा और आप दोनों की शुरू हो जाते हो। अरे ये तो सोचो कि मेरा होगा क्या। कैसे सोचूं, कैसे सोचूं, ये औरत मेरे सामने होती मेरा दिमाग बंद हो जाता है, लगता है इससे दूर जाकर ही सोचना पड़ेगा। आजा। यहां? नोट पर नोट खर्च हो रहे हैं और दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। I know when we went over there. Uncle, I'm so sorry. No problem. St.
चुपिट घर की बुढ़ा तो देखो शर्म भी नहीं आती। अरे सुनो मेरे पा गंगरू, तुम्हें जब भी कोई लड़की चांटा मारे तो समझ लेना कि वो एक नेक और शरीफ खानदान की। राजीव, राजीव, अरे कैसा आइडिया मिला है कि वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या? हाँ, एक ऐसी लड़की मिली है जिसकी हमें बरसों से तलाश थी। छोड़ो यार। अरे तो फिर आपने मेरे लिए नई मुसीबत ढूंढ ली। अरे लड़की मुसीबत नहीं है, मुसीबत का हल है, समझा? एक काम कर, तू उसके दिल में अपने प्यार का दीप जला दे और उससे शादी कर ले। मैं शेट्टी से दो हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा कि शेट्टी साहब, मैं तो अपने भांजे की शादी तुम्हारी बहन से करवाना ही चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा भांजा एक नंबर का कमीना निकला। उसे 3 महीने पहले ही मुझे बिना बताए शादी कर ली। अब कोई कितना भी बड़ा डॉन क्यों ना हो, एक शादीशुदा लड़के से अपनी बहन की दूसरी शादी कराएगा क्या? अरे तू लड़की तो देख, तू देख। मामा जी मुझे नहीं देखना कोई लड़की वड़की। मामी जी आप तो जानती है क्यों नहीं देखना चाहता, समझाती क्यों नहीं? बेटा मैं इन्हें कैसे समझाऊं? नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे नहीं देखना, नहीं देखना। भांजे लड़की दे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत ही शरीफ और नेक खानदान की है ये। मजनू भाई, अगर आपकी ये तस्वीर संजना बहन ने देख ली ना तो आपका कैरेक्टर भी ऐसे ही नंगा हो जाएगा। अबे ओ, तू संजना बहन की टेंशन मत ले। अरे हवा पानी बदलने आए हैं, ऐश करने हैं, 8-10 दिन इनके साथ एंजॉय नहीं करेंगे तो ये कैसे गाएंगी? परदेसी परदेसी जाना नहीं, हमें छोड़ के हमें छोड़। हाँ, क्या शेर है। That was fun. Ladies and gentlemen, do not move. Please do not move. देखिए हमें अभी अभी न्यूज मिली है कि कुछ आतंकवादियों ने यहाँ बॉम्ब प्लांट किए हैं। हमें बिल्कुल नहीं मालूम है कि बम कहाँ है। हो सकता है उस टेबल के नीचे हो, या हो सकता है उस बॉल में हो, और आपकी भगदड़ की वजह से ब्लास्ट हो जाए। द बम स्क्वाड इज ऑन द वे, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। I feel you touch me in the pouring rains. Sanjana, ये तो वही आग वाला। And you come to me on a summer dream. Keep me warm in your love. ये तो ये हम सबको जरूर मरवाएगा। अरे कोई रोको उसे। Listen. And it's me you need to show. Deep is your love. I really need to know. Cause we are living in a world of peace. Breaking the bond. Let me keep this thing now. देखा हमने आपको कितनी आसानी से अप्रैल फूल बना दिया। Sorry. Thank you, friend. It's okay. Ladies and gentlemen, Frank Finn, world's number one air hostess training institute ने रखा है Frank Finn Smart Woman Contest. जो लड़की किसी भी लड़के को 2 बार अप्रैल फूल बनाएगी उसे Frank Finn की तरफ से मिलेगा $50,000 और ये चमचमाती ट्रॉफी का इनाम। तो सोच कर रहे हैं। Time starts now. Can I help you? Hi. संजना जी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। पहचानूंगी कैसे नहीं, आप तो वही हैं ना जिन्होंने मुझे आग से बचाया था। संजना जी, now you're embarrassing me. बल्कि आपने मुझे बचाया था, मैं तो बेहोश हो गया था, आप मुझे उठा के लाई थी। और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपको देखकर तो कोई भी बेहोश हो जाएगा। You're so beautiful. आज तारीख क्या है? जी, 1st April. आप अप्रैल फूल बना रहे? नहीं नहीं, आई सो एम नॉट जोकिंग, आई एम रियली। मैं आपकी हेल्प कर दूं? मेरी हाइट आपसे ज्यादा बड़ी, मैं हेल्प करता हूं। ओके
जब भी मैं इसके करीब पहुंचता हवा का झोंका कहां से आ जाता। लड़की का दुपट्टा है, इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएगा। अच्छा संजना जी, अब तो इस दुपट्टे को हासिल किए बिना मुझे भी चैन नहीं आएगा। वाओ, यू डिड इट या अमेजिंग। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। संजना जी, द्रौपदी की साड़ी। हाँ, द्रौपदी की साड़ी। अरे बस करो यार, तुम लोग भी ना। You're too sweet. Too sweet. You are sweet too. ये देखो, उदय शेट्टी। भगवान, एक तुम्हारा भांजा है जो एक लड़की को पता नहीं सकता, और ये उदय शेट्टी जो बार बार फोन पे फोन कर रहा है। समझ में नहीं आता क्या करूं मैं इसका। भगवान से प्रार्थना के सिवा और क्या कर सकते हैं हम लोग। हे भगवान, कुछ मदद कर। मैं कैसी मदद कर रहा हूं। अरे ये कहां चली गई। सुनिए, घुंघरू का पता नहीं, सुबह से दुकान मकान अस्पताल सब देखा, ऊपर से फोन कर रहा हूँ, साला उठा नहीं रहा। मुझे टेंशन हो रही है, तू वापस आ जा जल्दी। अरे कैसे आ जाऊं उदय भाई, यहाँ संजना मैन का कौन ख्याल रखेगा। संजना की फिक्र मत कर, उसकी सहेलियाँ है उसके साथ, वो ख्याल रखेगी उसका, तू वापस आ जा जल्दी। ये घुंघरू सेठ की तुम है। ये जूता ना गिरे पास। चलो पिकनिक ओवर। अबे ओ, बिना पेड़ के फल, सुसाइड करना तो सीधा टपकना, या मैं टपका हूँ। जूता फेंक कर क्या गहराई नाप रहा है। अब तू क्यों हाथ में पकड़े खड़ा है, पानी में फेंक दे। कहीं फिर अप्रैल फूल ना बना दे। नहीं नहीं, आंखों पर पट्टी बंधी है, चुपचाप निकल जाता हूँ साइड से। एक्चुअली हम लोग खेल रहे थे।
कोई बात नहीं। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं बिल्कुल। लग तो रहा है आपके चेहरे से मुझे। होंगे क्यों नहीं, हम लोग ने आपको अप्रैल फूल जो बनाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रैंक करना मुझे भी अच्छा लगता है। मैं भी प्रैंक कर सकता हूँ, लेकिन मैंने किया नहीं आपके साथ। रियली? तो फिर आपकी मेरी खूब जमेगी। ओके, चलिए कॉफी पीते। नहीं, आपके साथ कॉफी पीने नहीं। नहीं, आप लोगों ने पहले भी मुझे अप्रैल फूल बनाया, मैं नहीं जा सकता। तुम्हारा हार कहाँ गया? कहाँ गया? अरे अभी तो गले में था। बहुत महंगा था क्या? 25-30 लाख का तो होगा। ढूंढो, चलो वहाँ देखो, वहाँ चलो। Must be somewhere here only, यार। मिला क्या? Did you find it? मिला क्या? अब वहाँ देखिए। वहाँ देखो। शाली। संजना जी, वो देखिए, वो पड़ा आपका हार। वो देखिए। वो रहा। Thank God, मिल गया। मैं ले आता। Hey! We won! कहाँ गया वो? कहाँ गया? कहीं डूब तो नहीं गया? I don't know. Come on, guys! संजना जी, क्या ढूंढ रही हैं आप? You? हार फिर खो गया? हाँ। अच्छा अंकल जी, मैं जा रहा हूँ। राजीव, अरे बाहर कहाँ जा रहे हो? मरवाओगे क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग शहर में वापस आ गए। अंदर ही रहो। अरे अंकल, मैं संजना के भाई साहब से मिलने जा रहा हूँ। आप ही ने तो कहा था कि फटाफट एंगेजमेंट करवा लेनी चाहिए। ओह यस, यू आर राइट। मुझे भी संजना की सहेलियाँ बता रही थी कि संजना के भाई साहब शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। अरे अखबार, उनके साथ हमारा रिश्ता तय हो गया ना, फिर तो मजनू और शेट्टी से उनके भाई साहब ही निपटेंगे, हम क्यों निपटे? हैं? जाओ बेटे, जाओ वहां से, जाओ वहां से। अच्छा मामी जी, बाय। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, बस एक नेक और शरीफ लड़का चाहिए था। वो तलाश भी आज खत्म हो गई। मुझे तुम बहुत पसंद आए, तुम्हारे घर वालों को संजना पसंद है, इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। भाई साहब, 13 तारीख को संजना का बर्थडे है। मैं ये सोच रहा था कि अगर उसी दिन एंगेजमेंट हो जाए। इतनी जल्दी कैसे तैयारियां हो जाएंगी? भाई साहब, तैयारियों का क्या होता है, सिर्फ 4 कार्ड छापने होते हैं, 4 लोगों को बुलाना होता है और 2 अंगूठियां चाहिए होती हैं, बस और क्या। लगता है मुझसे ज्यादा तुम्हें जल्दी है। नहीं भाई साहब, कोई तकलीफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। अरे नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। अब तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। मैं आज आपके लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 3 खुशखबरी। तुम्हारी खुशखबरियां बाद में सुनाना, पहले इनसे मिलो, ये संजना के होने वाले मंगेतर हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। जाने से पहले मुझे मिल के जाना, समझ गया ना? समझ गया। क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? बड़ी अजीब सी बात है, हमारे जमाने में तो घर वाले बात करते थे, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। भाई साहब, आप जब बोलेंगे मैं अपने घर वालों को आपसे मिलाने ले आऊंगा। अभी 2 दिन के बाद मेरे नए होटल की ओपनिंग है, छोटी सी पार्टी रखी है, ले आना। जी जरूर जरूर ले आऊंगा। भाई साहब, ये सब बिजनेस की वजह से। सिक्योरिटी? हाँ सिक्योरिटी। अगर आप पर कोई आफत आ गई तो ये लोग जान दे देंगे, ले भी लेंगे। क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं भाई साहब, एक्चुअली एक आदमी नहीं है, 2 आदमी हैं, वो काफी परेशान किया उन्होंने मुझे। कौन है? है बड़े लेवल के आदमी है भाई साहब। बता दो, लेवल में लाएंगे उनको। अब रिश्ता जुड़ा है तुमसे, तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है, भगवान की दया से इस शहर में हमको कोई परेशान नहीं कर सकता। बताओ कौन है? नहीं बस, आपने इतना कह दिया काफी है भाई साहब, मैं खुद ही बात कर लूंगा उनसे। अच्छा बात कर लो, नहीं तो मुझसे बात कराओ, फोन पे समझा लूंगा। जी भाई।
अरे मजनू, दो सेकंड पहले आता तो लड़के से मिला देता। कौन से लड़के से? वही संजना जी से प्यार करती है। 13 तारीख को मैंने मंगनी भी फिट कर दी है। फिर वो मेरा पेंटिंग वाला छोकरा, उसका क्या होगा? उसे निकाल दे पेंटिंग से, वहाँ बिल्डिंग बना। क्या बात करे उदय भाई, कितनी मेहनत करके चक्कर करके लड़के को अंदर कर आप बोलते बिल्डिंग बना दे। अरे मेहनत की है, इसका मतलब ये तो नहीं कि बहन की शादी कहीं भी करवा दूं। आप समझ नहीं रहे उदय भाई, वो तो जल्दी जल्दी में उसकी शराफत में बराबर पेंट नहीं कर पाया। देख संजना इस लड़के से प्यार करती है, इसके घर वाले भी संजना को बहुत पसंद करते हैं। अपने आप मामला फिट हो गया है, तेरे वाले लड़के को थूक लगा दे। सर मैं अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अरे वाह, पूछना तो नहीं चाहता लेकिन पूछे बगैर रह भी नहीं सकता। ये भी ठीक है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप किस लड़के को सिलेक्ट कर रहे हैं और किसे कैंसिल कर रहे हैं। आजा बताता हूँ। क्या हुआ सर? मैंने तो गलती कर दी। डॉक्टर गंगरो, रिश्ता कैंसिल। क्या बात करते हैं रिश्ता? क्या बात करते हैं आप? रिश्ता कैंसिल? हमारे उदय भाई से हाथ मिला के, गले मिल के, रिश्ता फाइनल करके गायब है? नहीं, मैं मंगनी और शादी की तैयारी करने गया था ना, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। टू लेट, अभी हमारी सिस्टर को किसी और से लव हो गया है। उदय भाई की तरफ से सॉरी। सॉरी क्या, अपने आप की जान छूटी, जान निकल जाएगी मेरे भांजे की। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप मेरे अंकल को इस तरह उठाकर क्यों लाए? जो लोग हमारे फोन नहीं उठाते उन्हें हम ऐसे ही उठा लेते हैं। आपको क्या लगता है? राजीव, इन्होंने रिश्ता कैंसिल कर दिया है, ये बताने के लिए मुझे यहाँ पे उठा के लेके आए। रिश्ता कैंसिल? समझो बात को। हाँ लेकिन फिर भी अंकल, ये बात प्यार से भी की जा सकती थी। They could have easily said sorry to us. अबे what? ए, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ अच्छा हुआ ये रिश्ता आप लोगों ने खुद कैंसिल कर दिया, वरना हम कैंसिल करने वाले थे। इसलिए कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और बहुत ही जल्द मेरी एंगेजमेंट भी होने वाली है। एक मिनट अंकल, आप जानते हैं वो लोग कौन है? कौन है? वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, वो आप और आपके वो क्या नाम है उनका, शेट्टी। यस मिस्टर शेट्टी, 10 जनों को ऐसे यूं ही खरीद सकते हैं। या यस, आप समझे? मैं समझ लूं भाई, इसलिए हम लोग गायब हो गए थे ये सोचने के लिए कि तुम जैसे गुंडों से छुटकारा कैसे पाया जाए। जिसका भाई ऐसा होगा उसकी बहन कैसी होगी और उसके माँ बाप तो कैसे कैसे होंगे। मैं मर भी जाता ना तो भी ये रिश्ता नहीं करता। मजनू भाई, जिसे मर्जी चाहे उठा लेते हैं। याद रखिए मिस्टर मजनू, आपको भी कोई उठा सकता है। ए, बहुत हो गया तेरा, हमारे भाई को कोई छू भी नहीं सकता। छू भी नहीं सकता? छुआ मैंने। मुझे अगर किसी ने छूने की कोशिश की ना तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते तुम्हारा हाल क्या होगा। डोंट ट्राई टू टच मी। ये लो, मैंने फिर छुआ, अब क्या कर लोगे? ए, कौन है बे तेरे पीछे? जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं उनसे? ये लीजिए, ये फोन है, मैं आपको नंबर लगा कर दूं, बात करेंगे आप उनसे? हैं? हिम्मत है आप में? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई आपकी? हैं? हेलो, ओ इधर देखिए, तीसरी बार छुआ। राजीव मत छू, प्रॉब्लम हो जाएगा, मत छू। लिसन मिस्टर मजनू, इफ यू एवर ट्राई टू क्रॉस माई वे यू वुड हैव इट फ्रॉम मी एंड माई रिलेटिव। And this is my first and last warning to you. Let's go, uncle. Let's go. अरे ये लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन मजनू भाई और उदय भाई से बड़ा आदमी और कौन हो सकता है? एक ही हो सकता है, जॉर्ज बुश। हाँ। अरे कैसे हैं मेरे साहब? नमस्ते भाभी। शेडी साहब, होटल बड़ा शानदार बनाया। बस दुआएं आपकी, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। भाई ये पार्टी में सब शरीफ लोग दिख रहे हैं। खाली व्हाइट कॉलर वालों को बुलाया ताकि उन लोगों के बीच में उदय भाई और हम भी शरीफ लगे। आपको क्या लगता है, शेव वेव करके आप शरीफ लग रहे? संजना, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मंगनी का कार्ड तो मिल गया पर राजीव और उसकी फैमिली किधर है? बस आते ही होंगे। देखा मामा जी, रौनक देखी आपने? मुझे तो हंसी उस पर आ रही है जिसको शेट्टी की बहन से प्यार हो गया। अंकल वैसे बुरी बात है, किसी की बर्बादी पर इस तरह हंसते नहीं है। वैसे मुझे तो उस लड़के से ज्यादा उसके खानदान पर तरस आ रहा है। सारी जिंदगी रोना पड़ेगा उन लोगों को। वो तो है,
अरे घुंगरू, ये तो वही लोग हैं ना जिनका रिश्ता हम लोगों ने ठुकराया था। कपूर्स द क्रिमिनल्स। छोड़ो भी। अरे घुंगरू जी, आप इस पार्टी में क्या कर रहे हैं भाई? ये पार्टी जिन्होंने दी है और जिनका ये शानदार होटल है ना, उनकी बहन के साथ हमारे भांजे का रिश्ता तय हुआ है। नमस्ते। अच्छा? अरे भाई घुंगरू जी, कमाल हो गया, ये बड़ा ही शरीफ खानदान ढूंढा है आपने। बिल्कुल। वैसे अगर आपने यही रिश्ता करना था तो हमारे खानदान में क्या कमी थी। चलो यार, पता नहीं कहाँ से चले आते। क्या कहा इसने, क्या बोला ये? नथिंग अंकल, जस्ट डोंट पे अटेंशन, इज जस्ट जेलस। कम लेट्स गो। कपूर्स द क्रिमिनल्स। भैया, राजीव के घर वाले आ गए। हाय भाई साहब। भाई साहब, ये मेरे अंकल हैं और अंकल ये है मेरे भैया। अंकल, अंकल, are you okay? अरे यहाँ कोई डॉक्टर है, जल्दी। एम्बुलेंस। मामी, इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? मुझे नहीं मालूम। अंकल, राजीव बेटा, घुंगरू। अंकल, क्या करूं? क्या करूं मैं होश में आकर? क्या करूं? साला, जिस रिश्ते से हम पीछा छुड़ा के भाग रहे थे, मुझे क्या पता था कि वो रिश्ता हमारे पीछे पीछे ही भाग रहा है। अब वो संजना डॉन, डॉन उदय शेट्टी की बहन। ओह माय गॉड, फिर से? राजीव, राजीव, राजीव बेटा। हाँ डॉक्टर साहब, जरा चेक करना। हाँ, 100 उदय और मजनू मरेंगे ना तो एक घुंगरू पैदा होगा। अरे उसका बच चले ना तो हमारे पैरों में घुंगरू बांधकर हमें नचाए। अरे उसको तो बेहोश होना ही था। मालूम है उस दिन जब मैंने रिश्ता कैंसिल करने के लिए बुलाया तो क्या बोल रहा था वो? मैं मर भी जाता ना तो भी ये रिश्ता नहीं करता। जिसका भाई ऐसा होगा उसकी बहन कैसी होगी? माँ बाप कैसे कैसे होंगे? इसलिए हम लोग गायब हो गए थे, ये सोचने के लिए कि तुम जैसे गुंडों से छुटकारा कैसे पाया जाए। क्रिमिनल फैमिली से छुटकारा पाने के लिए भागा था ना वो, मैं छुटकारा दिलाऊंगा उसे। ए बंदो, चल गाड़ी निकाल, चल। अरे उदय भाई सुनो तो सही। अरे ये मत भूलो कि हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है। प्यार करती उस लड़के से, अगर आपने उसके मामे को लुड़का दिया ना तो ये शादी नहीं हो पाएगी। अरे मामा से थोड़ी शादी करनी है। अरे गुस्से में आप क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे रिश्तेदारी निभानी है, होने वाले समझी हैं आप। मैं कौन हूं? कोई नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। हाँ तू कुछ भी कर सकता है, जा कुछ भी कर, लेकिन समझा उसे उदय शेट्टी कौन है, उसका असली रंग क्या है, अगर दिमाग घूम गया तो क्या कर सकता है। हाँ? ये ले, फोड़ कान के पीछे ऐसे। ये ले भाई। अरे घोड़ा है मेरे पास, उसके कान के नीचे ऐसे बजाऊंगा कि वो खुद अपने भांजे को घोड़े पे बिठाकर आगे नाचेगा। बजू कंट्रोल, कंट्रोल, आप फिक्र मत करो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। कंट्रोल 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 उदय, कंट्रोल कंट्रोल। मजनू भी काम खराब ही नहीं है, सब ठीक कर देगा। कंट्रोल 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 ए, चल बे शाने, चलो उठ। ए ओला ला रे, कोट पकड़। देख आखिरी बार बोल रहा हूं, उठ जाने तो हमेशा के लिए उठ जाएगा। उठने के लिए थोड़ी बेहोश हूं। नहीं उठेगा। गोली कहां है बे? ये जेब के अंदर है भाई। और घोड़ा उस जेब में, मेरी सुपारी उपारी ले रखी है क्या? किसी दिन लफड़ा हो गया ना तो तू गोली भरता रह जाएगा और मेरा कोई गेम बजा देगा, समझा? अरे भाई आपका गेम कौन बजा सकता है भाई, लेकिन घोड़ा और गोली एक साथ एक जेब में रखे ना भाई तो पता नहीं आप कितने लोगों का गेम बजा डालोगे भाई। ये लो ना गोली भाई। भाई ने गोली भर ली है, अभी भी टाइम है, उड़ जा घुंगरू, नहीं तो। खाली नाम घुंगरू है मेरा लेकिन कोई बजा नहीं सकता मुझे। भाई ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। लेकिन अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना इसको उठाने की। इसकी पैंट उतारो, नंगा करो साले को। ठीक है भाई। डॉक्टर के सामने तो सब नंगे होते हैं, और डॉक्टर को भी कर लो, कर लो, कर लो।
भाई ये पहले से ही बहुत नंगा आदमी है, अभी भी साला यू यू कर रहा है। भाई छोड़ो ना ये बीच वाले को, मेन पार्टी से बात करते ना डायरेक्ट। हम लोग गुंडे हैं, बदमाश हैं, डॉन हैं, तो क्या हमारी बहन बेटियों की शादी नहीं होगी? हाँ यार, किया ना तूने हमारी संजना से? किया है ना, तो क्या उसे ऐसे लड़का के चला जाएगा तू? देख बे शरीफ शाने, कार्ड बट चुके हैं, अखे शहर को मालूम है, अगर ये मंगनी नहीं हुई ना तो उदय भाई की इज्जत का क्या होगा? अरे उदय भाई की इज्जत की माँ की आंख, अपनी इज्जत के तो एल लग जाएंगे ना। एल? एल का मतलब लटक जाएगी रे, लुट जाएगी। ये बता अब अपने मामे को तू उठाएगा या मैं उठाऊं? देख तू कोकेन सुंगा, हीरोइन सुंगा, कुछ भी कर, लेकिन उसको लेकर मंगनी में पहुंच जाना, नहीं तो तेरी अक्खी फैमिली को उड़ा डालूंगा मैं। उड़ा डालोगे? कैसे कैसे उड़ा डालोगे? वो देख ऊपर, देख ऊपर, तू तेरा मामा और मामी ऐसे कबूतरों की तरह फड़फड़ाओगे। मामा, मामी, मैं।